हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, कॉलेज में एडमिशन लेने के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका इंतजार है, आज ख़त्म हो चुका है। सात तारीख से आपके जो फॉर्म शुरू होने थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फार्म भरने की। मैं इस वीडियो में आपको पूरा कम्प्लीट फॉर्म भर के दिखाऊंगा, कैसे आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं और घर से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए है और कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 25 सितंबर तक रहेगी और पहली जो मेरिट लिस्ट दिखाई जाएगी वो 26 सितंबर को दिखाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर dheadmission.nic.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है और यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन 2020-21 इस पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला आपका पूछ रहा है कि जो 12वीं आपने कर रखी है या उसके समान कोई डिप्लोमा आपके पास, वो आपने कौन से बोर्ड से किया है, जैसे आपने हरियाणा बोर्ड से किया है या फिर प्लस CBSE बोर्ड से किया है, कोई और बोर्ड है आपकी पढ़ाई का 12th का, वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद में छात्र का जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे बता देना है और छात्र का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंकित, ठीक है। उसके बाद में प्लस टू का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, 30, 20, 19, 32, 63, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो साल है वो एंटर करने पे आपने कब पास की है 12वीं, और उसके बाद में डेटा प्राप्त करें यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी डिटेल आ जाएगी इस रोल नंबर की कि इस रोल नंबर में कौन कौन है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोस्तों उसके बाद में आपका मेल फीमेल बता देना है, आप मेल हैं या फीमेल है जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको ऐसा देना है, उसके ऊपर OTP आएगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। बताइए भाई, नंबर बताओ, बोल के बताइए। 9053115834, ठीक है। इस नंबर पे दोस्तों OTP जाएगा आपका। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है ताकि, और ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई मेल वेल आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी जो प्लस टू स्ट्रीम है वो चेक कर लीजिए। क्या स्ट्रीम है भाई आपके पास? मेडिकल साइंस, मेडिकल, ठीक है। मैथ है क्या? नो, मैथ नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो अच्छे वेरीफाई कर लेनी है कि सही है या गलत है। उसके बाद में आपकी कैटेगरी कौन सी है भाई, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास है, बैकवर्ड क्लास, ठीक है जी। उसके बाद में आपका जाति श्रेणी BCA है या BCB है? BCA है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे भारतीय है तो भारतीय, अन्य है तो अन्य कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक लाइन दे रखी है कि आप इसको यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप परमिशन दे देते हो अपना आधार कार्ड यूज करने के लिए, भाई आप हमारे आधार कार्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आप हरियाणा के निवासी हैं? यस, ठीक है। यदि आपके पास फैमिली आईडी है तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्या आपने प्लस टू हरियाणा से की है? यस। क्या आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं? नहीं। क्या आप कश्मीर प्रवासी हैं? नहीं। क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है? यदि आपके पास है वोटर आईडी कार्ड तो यस करेंगे और उसकी जो डिटेल है वो आप यहां पे एंटर करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने जो जानकारी दी है वो सारी चीज़ सही भरी है, ठीक है जी। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे हम। हेलो, हाँ जी, मैं एक बार तो फॉर्म भरने लग रहा हूँ, बीच में एक वीडियो चलने लग रही है, बाद में बात करें जी। आप आधा घंटा दे मेरे को, ठीक, ठीक है। OTP आ गया है जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर, बताइए भाई OTP। 36 26 36 26, ठीक है, 3626, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके दोस्तों देख सकते हैं आप
सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट बन गया इस वेबसाइट पे, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इसे आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको। तो दोस्तों मैंने इन दोनों चीज़ को अपनी यूज़र आईडी जो है और अपना जो पासवर्ड है उसको कॉपी कर लिया है, ताकि मुझे हेल्प मिले, इसे दोबारा लिखना ना पड़े, ठीक है। और उसके बाद में आपकी लॉगिन की स्क्रीन खुल जाएगी, यहाँ पे आपको जो लॉगिन आईडी अभी आपकी बनी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। कर लेते हैं भाई। और उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है ये एंटर करना है, GSHND। दोस्तों कंप्लीट, यदि आप वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। NCSST साइन इन पे क्लिक किया, यहाँ पे सेव कर लेते इसको। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी का नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, माता का नाम आ गया, जन्म डेट आ गई, मेल फीमेल, आधार कार्ड, इसने जो प्लस टू की क्लास है उसमें आधार कार्ड नंबर नहीं दिया है, इसकी मार्कशीट में आधार कार्ड नंबर नहीं है इसलिए ब्लैंक आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर शो कर देगा यदि आपका प्रॉपर तरीके से आपने लगा रखा हुआ तो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आगे चलना है, मैरिड एंड मैरिड आपको बताना है, पिता का व्यवसाय कौन सा करूं, बिजनेसमैन, ठीक है। और माता का व्यवसाय आपको बताना है दोस्तों। उसके बाद में आपको आगे चलना है ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप क्या भाई, तो यदि आपको पता है तो आप अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे बता सकते हैं, अदरवाइज नॉट नॉन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो धर्म है वो आपको यहाँ पे बता देना है। उसके बाद में आपकी कुल आय कितनी है, इनकम एक साल कौन सा सिलेक्ट करना है इसमें बताओ, 2 से 2.5, तो 2 से 2.5 इनकम कर देते हैं भाई ये, ठीक है ना। अच्छा अब आपको किसी फादर की ये टोटल इनकम है परिवार की। उसके बाद में आपको एड्रेस बताना है, आप शहर में हैं, आप गांव में हैं, बता भाई आप। अर्बन, अर्बन। स्टेट अपना हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, नगर पालिका अपनी हिसार, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस, सात रोड खास है ना, सात रोड खास वार्ड नंबर 11, ठीक है, और पिन कोड हमें बता देना है। दोस्तों प्रॉपर आपको जो एड्रेस आपका वही मेंशन करना है। उसके बाद में नीचे पूछ रहा है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यदि आपका ऊपर वाला है और नीचे वाला सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी डिटेल ऊपर वाली यहाँ पे आ जाएगी, अदरवाइज आप भर सकते हैं यदि आपका अलग है तो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे गैप ईयर है, यदि आपका 12th के बाद कोई गैप है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल, और नहीं है तो आपको यहाँ पे 0 एंटर करना कि मेरा कोई गैप नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको हॉस्टल की आवश्यकता है या नहीं है वो आपको यहाँ पे बता देनी है, आप किस तरीके से जाओगे कॉलेज में एडमिशन होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्या आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, BPL कार्ड है या नहीं है वो आपको यहाँ पे बता देना है, पासपोर्ट है या नहीं है वो आपको बताना है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या नहीं है वो आपको बताना है, ड्राइविंग लाइसेंस है बता भाई, यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, सेव रखा है, वाह। HR 20 20 HR 20 20 3 0 3 1 2 चेक करिए भाई, एक बार चेक करवा लेते हैं भाई इसको, उसके बाद में आगे चलेंगे, पूरा कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाऊंगा भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, यदि कोई फंक्शन वगैरह होता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो आप, हाँ
ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देते हैं भाई। ये सक्सेसफुली आपकी डिटेल है, वो पर्सनल डिटेल है, वो सेव हो जाती है। जैसे ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे 4-5 स्टेप है ना, 7 स्टेप आपको ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जैसे जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा उस पर ग्रीन कलर का जाएगा, जो हमारा अभी चल रहा है उस पर ये ब्लू कलर का, और जो आप आगे आने हैं आपको दिखाई दे रहे हैं वैसे रहेंगे आपके, ठीक है। यहाँ से आपने जो बताया था पीछे की साइंस मेडिकल है, जो आपने स्ट्रीम सेलेक्ट करी थी वो आपके ऑटोमेटिक दिखाएगा। दसवीं की डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करनी, दसवीं हरियाणा बोर्ड से करिए, प्लस हरियाणा बोर्ड से, ठीक है। स्कूल का नाम रोल नंबर दसवीं का, दो हज़ार अठारह एक सौ सैंतालीस 598, ठीक है, रोल नंबर डाल दिया भाई। उसके बाद में पासिंग ईयर आप कब पास हुए, तो 2018 में पास हो गए आप दसवीं। 500 में से कितने नंबर आए दसवीं क्लास में, ये दसवीं की डिटेल डाल रहा हूँ मैं। 378, ठीक है, ये परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे निकाल के दे देता है। प्लस टू की हमने रोल नंबर डाला था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लिए इसने। और एक और बात बता देता हूँ मैं, यदि आप रीअपियर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके 12th में रीअपियर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके नंबर अलग अलग से दिखा रखे इन्होंने, आगे चलते हैं और सेव कर लेते हैं इस चीज़ को। हमारी डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिटेल सेव हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे वेटेज, यहाँ पे 15 नंबर बताए गए हैं आपके लिए, लेकिन आप इनमें से मैक्सिमम 10 नंबर ले सकते हैं यदि आप योग्यता रखते हैं तो। जैसे ये पहला आपका है नेशनल टैलेंट अवार्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी, यदि आपके पास ये है तो नो कर दीजिएगा, और है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। एनसीसी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, एनसीसी आपके पास नहीं है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, स्पोर्ट्स के लिए भी है ये। आगे चलते हैं, क्या आपने हरियाणा के एक ग्रामीण क्षेत्र से अपना 12th पास किया है, तो आपने कहाँ से किया है, शहर से किया है, ठीक है। यहाँ पे यदि आपने गांव से पढ़ाई करी है ना, गांव में आपका स्कूल था तो आपको 5 नंबर मिलते थे दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रख दिया इस चीज़ को। आगे चलते हैं, कैटेगरी हमारी बैकवर्ड क्लास है, बीएससी ए है, खाती है ये डाल रखा है इन्होंने, और हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं आप, प्लस टू आपने हरियाणा से की है, और आप कश्मीरी प्रवासी नहीं है, और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। हमारी डिटेल सेव हो गई वेटेज वाली। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप, हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक तो दसवीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद में हमारी कैटेगरी रिजर्व वाली कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी है, तो हमें यहाँ पे अपनी जो डिटेल है प्लस टू की, सॉरी जो बीसी का सर्टिफिकेट है, जो 15 डिजिट का ई दिशा का ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो आप हमें यहाँ पे डालना है, और उसके बाद में उसे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में हमें फ़ोटो लगाना है अपना, फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद में सिग्नेचर है, कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और फ़ोटो 300 के 150 के भी तक का है, सिग्नेचर 50 के भी तक के हैं, और उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है। और यहाँ पर हमें डिटेल डालनी है, उसका कोई नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट से ये चीज़ें कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने वो जो बीसी का सर्टिफिकेट नंबर है, ई दिशा का जो नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर इन्होंने मांगा था 15 डिजिट का, वो यहाँ पे डाल दिया है, और उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक करना है। ये वेरीफाइड हो गया है, इसका मतलब दोस्तों ये जैसे पुराना आपका कोई सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको नया सर्टिफिकेट ही चाहिए, ठीक है। ये हमारा वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद में फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, मैंने स्कैन कर लिया है डॉक्यूमेंट को, और उसके बाद में सिग्नेचर स्कैन कर लेते हैं, सिग्नेचर भी आ गए हैं, और उसके बाद में जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट भी आ गया, यहाँ पे हम ये नंबर डाल देते हैं इसका, जो H I 580 के 0001, ठीक है जी। ये हमने करेक्ट सर्टिफिकेट पे एक इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया है, और ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है।
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब हमें कोर्स जो डाल रहे हैं, कॉलेज वगैरह है, च्वाइस है कॉलेज की, वो यहाँ पे बतानी है कि कौन से कॉलेज में लेना है, कौन से में नहीं लेना है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मेडिकल का है ये देखो, सारे ये कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, बीए बीकॉम बीएससी करने का आता है सारे, ठीक है। तो क्या वही भर देंगे पहले, और पांच कॉलेज वर्ष कहाँ पे, पहला तो अगर सेन का भी है, अगर वहाँ यो देख लेते सेम में भी जो भी है, जी सी अगर वहाँ यो है गवर्नमेंट कॉलेज, अगर वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल वाला को नहीं, मेडिकल वाला तो वे के कराऊंगे तेरे, बीए कराऊंगे। अच्छा बीएससी बीकॉम वाला है, बीएससी। हाँ तो बीए बीएससी बीकॉम के ये कॉलेज है सारे आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हिसार के भर अपने गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का करना है। हाँ के करनी है बीएससी। हाँ देख आड़ देख आड़ आड़ देख तू, इसमें के है बीए है बीकॉम है बीएससी मेडिकल। हाँ ये पक्का कर दिया, ये सब्जेक्ट ना ये मतलब इक्वल पास लगे में सब्जेक्ट सेलेक्ट करें वे बोटनी नहीं तो देखिए कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिएगा, साथ में आपकी जो फीस है वो कितनी लगेगी इन्होंने बता रखी है साथ में ही, ठीक है। और ये आपकी सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज फीस रहेगी या एडमिशन फीस रहेगी सब्जेक्ट कम्बिनेशन की, बहुत अच्छी बात है। इस बार इन्होंने सब्जेक्ट के हिसाब से फीस अलग अलग से पहले ही डिक्लेयर कर दिए। जूलॉजी बोटनी बायोटेक्नोलॉजी कौन सा सेकंड इंग्लिश जूलॉजी बोटनी दिस वन। हाँ पक्का पक्का लॉक कर दूँ कर दो। एक कोर्स यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है, इसके बाद हमें और लगाना है तो ऐड टू लिस्ट में दोबारा सॉरी यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। बताओ बता भाई, हिसार में अभी रहन दे, आसी में गवर्नमेंट कॉलेज आसी बढ़िया है, इसमें बीएससी नहीं है भाई, छोड़ दे। डीएन कॉलेज छाजूराम जाट कॉलेज इन्हें बता, छाजूराम के हिसाब से ना कितना रियल पुराना वार्षिक 80। और दोस्तों आप कौन से कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं और कौन सी स्ट्रीम से आपने करी है, आप आगे क्या ले रहे हो कॉलेज में, आप वो बता सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आप पता चले कि आपने कौन सा सेंटर लिया है, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया है। ये रहा इसमें होगी तो देख लेंगे, इसमें बीए भी है बस, जाट कॉलेज में देख ले, जाट कॉलेज ना है, इसमें मेडिकल है डीएन में देख ले फिर, डीएन है नहीं, डीएन में है ही नहीं, कौन है डीएन है ही नहीं इसमें, तेरी स्ट्रीम मेडिकल वाली नहीं, तो ये नया कॉलेज दिखा दे तेरी यार, जी सार के रहने दे फिर आप और देख बता, अपना गुरुग्राम का देखी पंचकुला का भी है, पहले गुरुग्राम का देखना है बता कौन सा देखना है, गवर्नमेंट कॉलेज को सर ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सारे नहीं सारे नहीं, कुछ प्राइवेट भी है, जी सी गुड़गांव ये गवर्नमेंट ही मिलेगा, यहाँ पे देख बीए बीकॉम बीसीए बीएससी मेडिकल है इसमें, और बीएससी और कौन सी है, एक बायोटेक है मेडिकल ही करते हैं। और बता
पांच कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे दो हमने कर लिए हैं, तो एक बार यहाँ पे रुकते हैं, कॉलेज थोड़ा सोच लेते हैं, उसके बाद में आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पांच कॉलेज सेलेक्ट कर लिए हैं कैंडिडेट की चॉइस के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे फीस भी बता रखी है सब्जेक्ट कम्बिनेशन की इन्होंने अलग अलग से, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हम 500 कॉलेज दिखा रहा है। अभी यदि हमें प्रेफरेंस ऊपर नीचे करनी है, भाई हम पहले कॉलेज को किसी और को करना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे किसी और को करना चाहते हैं, यानी कि इनका ऑर्डर सेट करना है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें अभी कालकावाड़ा, कहाँ भाई कालकावाड़ा ये, तो जैसे ऊपर वाला निशान है इसको ऊपर लेके जाना, तो इस पर ऊपर करेंगे, ठीक है। उसके बाद पंचकूला ऊपर लेके जाऊँ तीसरे नंबर पर, ठीक है। ये मैंने प्रेफरेंस सेट कर दी है, ऊपर वाले से ऊपर चला जाएगा, नीचे वाले से नीचे चला जाएगा, एक स्टेप नीचे, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं भाई। उसके बाद बोला कि इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे, आपको विश्वास है तो आप यस करें, अदरवाइज नो करें और चेक कर लें क्या कुछ करना चाहते हैं। हम विश्वास है बच्चे को, आपकी प्रेफरेंस लॉक हो गई है, ये आपका जो फॉर्म है ये आपके सामने है, आप इनको अच्छे तरीके से एक बार देख लें कि आपकी सारी डिटेल सही है या नहीं है, ध्यान दें अच्छे तरीके से चेक करें। ऑप्शन नहीं है इसमें, होम मेकर का ऑप्शन है। अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। टेलीफोन नंबर दे दिया जहाँ देना था, ये रहा एक नंबर बतेरा हुआ है। अच्छे तरीके से समझो, पढ़ो। इस वीडियो के बाद दोस्तों आपके जो भी डाउट है ना, भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वो सारा आपको पता चल जाएगा। आगे चेक करो जी डिटेल आपके। जो कर प्राइवेट सेवा कंफर्म कर दूं, जो कर ये क्या जो कर मेरे प्राइवेट सेवा का कर ये जो कर मेरे दरियो है लाइसेंस, हाँ, और प्राइवेट बस सेवा सरकार, ऐसा कोई चक्कर नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों सारी डिटेल ओके है, उसके बाद में कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करके उसके बाद वे बोला कि ये आप कन्फर्म है ना, आपकी सारी डिटेल सही है, इसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप एक बार चेंज कर सकते हैं फाइनल सबमिट के बाद भी, एक बार चेंज कर सकते हैं, एक बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काम ऐसा करोगे आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो इसमें मैं यस आई एम कर देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा गया, हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। साहिल खोल पड़े, तो ये हमारा जो फॉर्म है बिल्कुल सबमिट हो चुका है, इसका अब हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रिंट आउट हम निकाल देते हैं भाई, ये प्रिंट आउट हो गया, तो हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है दोस्तों। और प्रिंट आउट आप संभाल के रखिए, जब भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है।